राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इसी संबंध में आईजी गढ़वाल के एस नगन्याल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। हालांकि चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत ही केएस नगन्याल ने कहा कि अतिरिक्त फोर्स के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती लोकसभा चुनाव में की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तैयारियां हैं केवल एक दिन या दो दिन से नहीं, बल्कि हमारा 6 महीने पहले से ही इस संबंध में तैयारियां होगी। कितने फोर्स की लागत होगी, कितने ड्यूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, बूथ वाइज हम लोगों को देखना पड़ता है, साथ ही एरिया में भी हमें कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एरिया डोमिनेशन के लिए भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो भी मांग की गई है MHA के द्वारा, हमारे जो मांग है उसके अनुरूप केंद्रीय पुलिस बल को दिया गया है और साथ ही उसको हम लोग अपने यथासंभव जो भी शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए उनकी ड्यूटियाँ हम